चलो बच्चों, आज डे 9, आज हम डिस्कस करने जाएंगे, करने जा रहे हैं डे 9 वीडियो 1। टुडे विल डिस्कस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो टाइप का है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का है, एक डिस्क्रीट है, एक डिस्क्रीट है और एक है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहां चार्ज, फिर यहां चार्ज, डिस्क्रीट, अलग अलग, ओके। लेकिन कंटिन्यूअस मतलब चार्जेस आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया था, अब हमें देखना है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगेन दिस आर ऑफ थ्री सब टाइप्स। वन इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चार्जेस आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन, मतलब ये लाइन पे चार्ज नहीं है, ये लाइन ही चार्ज की बनी हुई है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब ये पूरी सरफेस पे चार्ज है, मतलब ये सरफेस ही चार्ज की बनी हुई है, एंड नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब ये पूरा जो 3D रीजन है, ये पूरे रीजन में चार्ज है, ओके। इट मे बी स्फेरिकल, इट मे बी सिलिंड्रिकल, ये पूरा चार्ज का बना हुआ है। अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में भी, इन सब में भी वापस दो सब टाइप है। एक होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट डज इट मीन नाउ? तो ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये पूरा चार्ज लाइन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं भी आप यूनिट लेंथ लीजिए आपको चार्ज कैसा मिलेगा, सेम, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। और अगर हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज अलग अलग हो, मतलब हर एक जगह पे पर यूनिट लेंथ अगर चार्ज अलग अलग हो तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। सिमिलरली इन दिस टू, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अगर मम्मी रोटी बनाती है तो कैसी होती है? यूनिफॉर्म। कहीं से भी आप कोई भी पीस उठा लो, हर एक जगह पे थिकनेस कैसा होगा, सेम। लेकिन अगर हम रोटी बनाते हैं तो कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमारी रोटी के छोटे छोटे पीस किए जाए तो ईच एंड एवरी पीस हैव डिफरेंट थिकनेस, लेकिन अगर यूनिफॉर्म होगा तो कहीं भी आप यूनिट एरिया ले लीजिए, मटेरियल एक जैसा होगा। क्लियर मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? सिमिलरली इन वॉल्यूम चार्ज, यूनिफॉर्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक जैसा होगा। देखिए, इसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, इसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। यहां पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, जिसे हम रो से बताएंगे, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या? इट इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ,
यूनिट लेंथ। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पूरी लाइन पे लैम्ब्डा कांस्टेंट है, मतलब हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज सेम है, तो उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर लैम्ब्डा वेरी करता है फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट, ये पूरी लाइन को हमने छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया है, अगर लैम्ब्डा वेरी करता है फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहां पे अगर हम ये पूरा जो सरफेस है, अगर इस सरफेस को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करेंगे, बराबर, अगर सभी एलिमेंट के लिए सिग्मा सेम है, सभी एलिमेंट के लिए अगर सिग्मा सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा अगर हर एक एलिमेंट के लिए सेम होगा, तो इसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, अदरवाइज इट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैम्ब्डा जो है, इट इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसलिए इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट कूलम पर मीटर। अब देखिए लैम्ब्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज जैसे मटेरियल डेंसिटी पढ़ा था हमने, लीनियर डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, क्लियर, उसी तरह से सरफेस डेंसिटी भी पढ़ा था सेंटर ऑफ मास वाले केस में। तो इस तरह से यहां पे हम हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम देख लेते हैं। देखिए सपोज हमारे पास ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, और यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डी पॉइंट पे, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। हम ये पूरे चार्ज को, ये पूरा जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। ओके, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। एक सैंपल पीस आपको यहां दिखाया जा रहा है, और इसका जो लेंथ है ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा है। ओके, सपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, उसका मतलब यहां पे लैम्ब्डा जो है वो सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी होगा। लैम्ब्डा सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी होगा, बट फॉर अ गिवन सेगमेंट लैम्ब्डा इज कॉन्स्टेंट। फॉर अ गिवन सेगमेंट लैम्ब्डा इज कॉन्स्टेंट। सी, लैम्ब्डा वेरिंग फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, बट फॉर अ गिवन सेगमेंट, ये सेगमेंट इतना छोटा है कि फॉर अ गिवन सेगमेंट लैम्ब्डा इज कॉन्स्टेंट। तो यहां पे इस सेगमेंट का लेंथ मैं ले रहा हूं डीएल डैश, और इस डायरेक्शन में हमने इसको बताया डीएल डैश वेक्टर भी ले सकते हैं। यहां पे इसका पोजीशन है आर डैश, इसका पोजीशन लेट अस टेक आर डैश। अब यहां होगा क्या, लैम्ब्डा सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी होगा, मतलब लैम्ब्डा इज अ फंक्शन ऑफ आर डैश। लैम्ब्डा सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी होगा, मतलब लैम्ब्डा इज अ फंक्शन ऑफ आर डैश, क्लियर। तो यहां पे चार्ज कितना, तो यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में चार्ज कितना, यूनिट लेंथ में चार्ज होगा लैम्ब्डा विच इज अ फंक्शन ऑफ आर डैश। तो डीएल डैश लेंथ, डीएल डैश लेंथ मतलब इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड, उसमें चार्ज कितना होगा, तो इस लेंथ में जो चार्ज होगा वो आपको कितना मिलेगा, लैम्ब्डा आर डैश डीएल डैश। देखो बच्चों, एनसीईआरटी बुक इज अ बैडली रिटन बुक, तो आप मेरी नोट्स पहले पढ़ना, फिर एनसीईआरटी बुक में से ये टॉपिक देखना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, सो डी क्यू इज लैम्ब्डा आर डैश डीएल डैश, क्लियर, दिस इज द चार्ज इन दिस स्मॉल सेगमेंट। अब हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए दिस इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउट, मतलब इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर।
तो यहां पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दैट स्मॉल सेगमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के डी क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा। क्लियर? अगर मैं इसको आर वन बोल दू, इसको मैं आर टू बोल दू और इसको मैं आर बोल देता हूं। क्लियर? आर वन आर टू आर, वैसे आर टू तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वेरी होगा, तो आर डैश ही रखते हैं। अब देखिए क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से। क्लियर? और डायरेक्शन क्या होगी, आर की डायरेक्शन में ही होगा, मतलब आर कैप ही होगा। तो डी क्या हुआ, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। अब यहां पे ये जो k है उसकी जगह बाय डिफॉल्ट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डाल सकते हो dq। व्हाट इज r, r इज r1 माइनस r डैश। देखिए आप ध्यान से, r1 माइनस r डैश उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? एंड r कैप क्या है बोलो, r वेक्टर क्या है, हेड माइनस टेल, क्या होगा r1 माइनस r डैश। मतलब r कैप जो है, आर कैप जो है वो वेक्टर आर अपॉन आर ही होगा, मतलब आर क्यूब आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्यूब हो जाएगा और यहां हो जाएगा ये आर वन माइनस आर डैश। ओके, टू फाइंड आउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ओवर एंटायर लाइन, ओवर एंटायर लाइन, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ये आंसर मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग ओवर एंटायर लाइन, तो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगा ड्यू टू दिस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ आर वन, मतलब पॉइंट चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए हमने क्या किया यहां पे, बिल्कुल आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक लाइन चार्ज था, हमने पूरी लाइन को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया। ओके, पूरी लाइन को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया, तो यहां पे हमने एक सैंपल पीस लिया जिसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमने आर डैश लिया। अच्छे से समझना बेटा, और यहां पे एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने r1 लिया, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर मेरे पास ये छोटा सा ही चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, k q by r square, q मतलब इसका चार्ज, इसमें चार्ज कितना, तो इसकी लेंथ मैंने ली bn dash। अब यूनिट लेंथ में चार्ज कितना लैम्डा, बाजू में ये क्यों रखा, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लैम्डा वेरी फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट, लैम्ब्डा वेरी फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट। क्लियर? तो यूनिट लेंथ में इतना चार्ज, तो ये वाली लेंथ में कितना चार्ज, तो कितना चार्ज मिल गया बोलो, चार्ज मिल गया, पूरी लाइन को भूल जाइए, सिर्फ इतना चार्ज है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, देखिए यहां से ये चार्ज है तो इस पॉइंट पे फील्ड अगर ये पॉजिटिव है तो आउट, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। इसको हमने कौन सा वेक्टर बोला, आर, पर आर वेक्टर अगर हम ये दोनों हेड को ज्वाइन करते हैं तो आर वेक्टर कैसे लिखते हैं बोलो बच्चों, R1 माइनस R डैश। क्लियर और नॉट? तो इसे R वेक्टर बोला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला हमें, K Q by R square R cap। ओके, K Q by R square R cap। R cap क्या होता है, वेक्टर R upon its magnitude। अब R क्या है, R वेक्टर का magnitude। R वेक्टर क्या है, R1 माइनस R डैश उसका magnitude। क्लियर? और उसका क्यूब, एंड R वेक्टर क्या है, R1 माइनस R डैश। क्लियर? तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम ऐसे सभी डी डैश का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर एंटायर लाइन, यू विल गेट आंसर। क्लियर? और BQ की जगह आप क्या डाल सकते हो बोलो, लैम्डा आर डैश 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ओवर एंटायर लाइन। लैम्डा आर डैश, लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ आर डैश, क्लियर, इनटू डी आर डैश आर1, आर1 माइनस आर डैश अपॉन मोड ऑफ आर वन माइनस आर डैश उसका क्यू। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। अब देखिए अगर यहां पे लाइन की जगह सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता मतलब चार्ज
इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जिसका पोजीशन वेक्टर मैं ले रहा हूं आर वन। ओके बच्चों, तो फिर से अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा सब जगह पे कैसा होगा, अलग अलग। तो मैं पूरी सरफेस को छोटे 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 सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूं, क्लियर। और ये जो छोटा सा एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट, इसे मैं डीएस डैश नाम देता हूं। इसका पोजीशन वेक्टर मैं लेता हूं आर डैश। जैसे वहां डीएल डैश लिया था वैसे यहां डीएस डैश, डैश इसलिए लगाया क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर आर डैश ऑफ डीएल डैश, ऐसा मैचिंग थोड़ा हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये स्मॉल सेगमेंट में चार्ज dQ, अब यहां पे लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनिट एरिया उसमें चार्ज क्या, सिग्मा आर डैश। तो ये जो एरिया एलिमेंट है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो डीएस डैश इसमें चार्ज कितना, तो लैम्डा की जगह कौन ले लेगा, सिग्मा। डीएल डैश की जगह कौन ले लेगा, डीएस डैश। ओके, तो व्हाट इज डी के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, क्लियर। सेम पूरा प्रोसेस वही चलेगा, सिर्फ ये लैम्डा की जगह कौन ले लेगा, सिग्मा। लाइन की जगह हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, लैम्डा की जगह सिग्मा ले लेगा, डीएल डैश की जगह डीएस डैश ले लेगा, खत्म हो गया। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, क्लियर। सेम प्रोसीजर, ये वेक्टर आर बोल दो, ये वेक्टर आर बोल दो, सेम प्रोसीजर, कोई फर्क नहीं है दोनों में। वॉल्यूम होता तो सिग्मा की जगह रो रख दो, डीएस डैश की जगह डीवी डैश, पर डीवी इज नॉट अ वेक्टर, तो उस केस में सिर्फ डीवी डैश ही आएगा, डीवी डैश, नो वेक्टर साइन, नो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही होता है, क्लियर। ये मतलब ये वर्टिकल लाइन नहीं करेंगे वॉल्यूम में, सिर्फ क्या आएगा, डीवी डैश, नथिंग एल्स वॉल्यूम वाले केस में। और सिग्मा की जगह कौन आ जाएगा, रो। ये तो मैंने जनरल केसेस बता दिए, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अब समझने की कोशिश करना। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन आई रिपीट, वो दो टाइप के होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में वापस तीन सब टाइप होते हैं, कौन कौन से, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस, मतलब टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लियर। एंड चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ थ्री डायमेंशन, मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आप याद रखना, ठीक है। ये चार्ज पर यूनिट एरिया और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम कुछ इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले सपोज एक सर्कल है और इस सर्कल में सपोज हम इसको रेफरेंस लाइन लेते हैं और यहां पे आपको ऐसा दिया जाता है कि जो लैम्ब्डा है वो इस थीटा के साथ, थीटा विथ रेफरेंस लाइन, अलग अलग पॉइंट अलग अलग एंगल बनाएगा। तो लैम्ब्डा वेरीज विथ थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लैम्ब्डा जीरो, लैम्ब्डा जीरो साइन स्क्वायर थीटा, पहले हम साइन थीटा लेते हैं। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग, ये रिंग चार्ज, देखिए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सर्कमफेरेंस, ये लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे नहीं, मतलब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो है रिंग है, रिंग 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 में चार्ज यहां कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड लैम्ब्डा वेरीज विद थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए पूरी रिंग को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्योंकि क्यों छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लैम्ब्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्ब्डा थीटा के साथ वेरी हो रहा है। अगर लैम्ब्डा कांस्टेंट होता तो कितना मजा आता, देखिए सपोज यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा है, इस सर्कल का रेडियस आर है, रिंग का रेडियस आर है, व्हाट इज टोटल चार्ज, तो लिखते यूनिट लेंथ में चार्ज कितना,
लैम्डा बिकॉज इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा, तो ये 2 पाई आर लेंथ में कितना, सीधा हिसाब है, सीधा हिसाब लगा लो तो टोटल चार्ज मिल गया लैम्डा इनटू 2 पाई आर। लेकिन ये ऐसा नहीं है, लैम्डा वेरीज विद थीटा, लैम्डा थीटा के साथ वेरी हो रहा है। तो हम ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट कितना एंगल सस्टेन कर रहा है सेंटर के साथ, डी थीटा, कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, डी थीटा, समझना बच्चों, डी थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, कौन, ये छोटा सा सेगमेंट। अब इस सेगमेंट की लेंथ कितनी, सपोज ये रेडियस ए है तो ये आर्क लेंथ पी पी डैश, आर्क पी पी डैश, एंगल इज ऑलवेज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ जो होगा दैट इज रेडियस इनटू एंगल, क्लियर। अब यूनिट लेंथ में चार्ज कितना, थीटा एंगल पे, ये जो सेगमेंट हमने लिया है वो थीटा एंगल पे लिया है, डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, आपको दिखाई भी नहीं देगा इतना छोटा, यू पीपल आर लकी कि आपको दिख रहा है, अदरवाइज इट इज वेरी स्मॉल। तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना, तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना, लैम्डा, कितना, थीटा एंगल पे, लैम्डा जीरो साइन थीटा, जो लैम्डा थीटा एंगल पे होगा ये सभी पॉइंट पे हम सेम लेंगे क्योंकि डी थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो यूनिट लेंथ में ये चार्ज, तो ए डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज, ए डी थीटा किसका लेंथ है, सेगमेंट का लेंथ है, तो कितना चार्ज होगा बताओ बच्चों, लैम्डा जीरो इंटू ए साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज टोटल चार्ज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, कहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों बोलो, यहां से, क्योंकि पूरा सर्कल लेना है, तो थीटा जीरो है, जीरो से लेके कहां तक जाना है, 2 पाई तक, 360 तक, जीरो से 2 पाई लिखो या ऐसा सर्कल लगा दो, बात एक ही है, जीरो से 2 पाई या ऐसा सर्कल लगा दो, बात एक ही है। तो क्या हो गया बच्चों बोलो, ए लैम्डा जीरो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस, ओके, ओवर क्लोज लूप, मतलब जीरो टू 2 पाई। वैसे आपको 11th में मैथमेटिकल टूल्स में बताया गया है कि साइन का ग्राफ हो या कोसाइन का ग्राफ हो, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, अब देखिए ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 टू 2 पाई, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, जीरो। वैसे भी यहां पे आप इसको सॉल्व करो, अगर ये माइनस को ऑटोमेटिकली निकालना है तो पहले लोअर लिमिट डाल दो फिर अपर लिमिट डाल दो, कॉस जीरो भी वन होता है, कॉस टू पाई भी वन होता है, क्लियर, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे भी ये साइन थीटा है, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक आता है तो साइन जो है वो पहले दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरे दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। अगर साइन की जगह कॉस होता, खुद करोगे ना, कॉस रख देना यार, कॉस रख देना, कॉस रख देना, फिर वही कहानी, साइन का इंटीग्रेशन ओवर अ साइकिल इज आल्सो जीरो एंड कॉस का इंटीग्रेशन ओवर अ साइकिल इज आल्सो जीरो, तो इसमें कॉस रखोगे तो यहां साइन आएगा, साइन टू पाई माइनस साइन जीरो, जीरो माइनस जीरो, आंसर जीरो ही आएगा, मतलब यहां साइन हो या कॉस हो टोटल चार्ज ऑन सर्कमफ्रेंस जीरो ही आएगा, लेकिन अगर यहां साइन स्क्वायर हो बोलो। अब मेथड से, थीटा एंगल पे हमने छोटा सा सेगमेंट लिया, ये सेगमेंट सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, डी थीटा, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा जीरो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर आ गया भाई, भाइयों बहनों क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अगर स्क्वायर आ गया तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइन स्क्वायर का, तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर मतलब 11th के मैथमेटिकल टूल्स देख लो, साइन स्क्वायर मतलब एक तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन करना है 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये 2 नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। अब ये 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कहां से कहां, 0 टू 2 पाई,
क्लियर, माइनस 0 टू 2 पाई cos 2 थीटा d थीटा, थोड़ा सा जनरल नॉलेज है मैथमेटिक्स का आप में, देखिए आप ये 2 बाहर आ जाएगा 1 बाय 2, 1 d थीटा cos 2 थीटा d थीटा 0 टू 2 पाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा कहां से कहां, 0 से 2 पाई बराबर, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन या थीटा 2 थीटा 5 थीटा कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा ये पूरा जो है कोसाइन फंक्शन का ओवर कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होता है, इसलिए ये आ जाएगा जीरो। ठीक है, क्या है बच्चों बताओ, 2 पाई माइनस 0 और ये क्या आ जाएगा 2 2 कैंसिल पाई, अगर यहां sin cos स्क्वायर होता, अरे cos स्क्वायर होता तो बीच में क्या आता, प्लस, हम प्लस आता माइनस आता, जीरो ही है ना ये, तो आंसर वही आएगा, मतलब sin स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो 0 टू 2 पाई sin स्क्वायर थीटा d थीटा भी पाई होता है, 0 टू 2 पाई cos स्क्वायर थीटा d थीटा भी पाई ही होता है। तो अगर ये sin स्क्वायर होता तो इसका आंसर क्या आ जाता, बोलिए पाई बराबर, तो आंसर क्या आ गया पाई ए लैम्डा 0। इस तरह से हम ये टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। एक और चीज देखिए, इसको दो बार देख लेना इस वीडियो को, तो थोड़ा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नया नया है तो आपको समझ में आ जाए, कुछ बातें अगर समझ में ना आ रही हो तो दो बार पढ़ना तीन बार पढ़ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई बड़ी चीज नहीं है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ उसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर। देखिए अगर हम यहां पे एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेंथ इज ए, लेकिन यहां जो सिग्मा है मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कॉन्टिन्यूसली वेरी होता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, मतलब अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग अलग, सिग्मा अलग अलग। हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है कि इस स्क्वायर पे कितना चार्ज है, तो देखिए मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो यहां सिग्मा कितना, सपोज ये एक्स वाई की वैल्यू 2 2 होती, सपोज 2 3 होती, तो सिग्मा क्या होता, सिग्मा 0 * 2 * 3 मतलब 6 सिग्मा 0 क्या होता, 6 सिग्मा 0 क्लियर। अगर मैं इस पॉइंट के आसपास एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं जिसकी लेंथ dx विड्थ dy है, अब ये एलिमेंट इतना छोटा है, ये तो आप नसीबदार हो कि आपको दिख रहा है, यू पीपल आर लकी कि आपको एलिमेंट दिख रहा है, बाकी ये बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप से। तो ये एलिमेंट इतना छोटा है कि सिग्मा की वैल्यू जो यहां पे है वही वैल्यू हम ये सब जगह पे ले लेंगे। अरे भाई रोटी घर पे खाते हो, रोटी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे पतली कहीं पे मोटी है, पर एक उसका छोटा सा पोर्शन लोगे बिल्कुल छोटा सा तो वो पोर्शन तो यूनिफॉर्म ही होगा, मतलब सिग्मा यहां पे यूनिफॉर्म है। हाँ सेगमेंट टू सेगमेंट सिग्मा क्या होगा, वेरी होगा। अब ये छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना, तो लेंथ dx विड्थ dy, तो एरिया कितना dx into dy बराबर। अब यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, सिग्मा 0 xy, तो ये एरिया में चार्ज कितना है, तो आपको dq मिल गया, क्या मिला dq, सिग्मा 0 xy dx into dy। टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे x भी वेरी हो रहा है और y भी वेरी हो रहा है, तो आप यहां इंटीग्रेशन इस तरह से करना x dx y dy, ऐसा कर सकते हैं। मैथ वाले पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले बेचारे सदमे में ही रहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, y dy 0 to a x dx 0 to a ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। यहां x square y square होता तो यहां x square y square आता, यहां भी x square y square आता, याद रखना। सिग्मा 0 देखो x वेरी फ्रॉम 0 टू a y आल्सो वेरी फ्रॉम 0 टू a, लेकिन आप लोग क्या करते हो, रटने का काम करते हो, समझते कम हो रटते ज्यादा हो, रटना नहीं है समझना है। सिग्मा 0 2 टू जा 4 बोलो बच्चों, अब क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 0 और ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 0 बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है, a रेस टू 4 / 4 सिग्मा 0 a रेस टू 4 / 4 4 कट मत कर देना बायोलॉजी वालों, ये a रेस टू 4 है, ये नीचे 4 है, ठीक है, डॉक्टर्स को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर कहानी में ट्विस्ट आ जाए
अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो स्क्वायर का सेंटर ओरिजिन जो है वो स्क्वायर के सेंटर पे ले, तब क्या होगा? कंडीशन एक्सप्लेनेशन सेम, पर अब हम एक्स वेरी करेंगे, यहां से यहां जाना है माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाय टू, और वाई वेरी करेंगे माइनस ए बाय टू से प्लस ए बाय टू, क्लियर? क्योंकि लेंथ तो ए है, तो यहां पे वेरी करोगे माइनस ए बाय टू से प्लस ए बाय टू, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर जीरो आएगा। अरे भाई एक्स इंटू वाई, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, दो प्लस दो माइनस इक्वल साइज, आंसर जीरो, डायरेक्ट कर सकते थे। तो इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक दो क्वेश्चन हमने देखे। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कुछ स्पेशल केसेस हम देखेंगे, ठीक है? दैट इन नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 2, ठीक है? देख लीजिए, इतना लिख लीजिए।